नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात पाम तेल की, क्योंकि पाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई है और पाम तेल का भाव मलेशिया के वायदा बाजार में 10% तक गिर चुका है और BMD जो वहां का वायदा बाजार है, जिसे बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव कहते हैं, वहां पर 9 महीने के निचले स्तर तक भाव लुढ़क चुका है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप बजोरिया, CEO हैं सनबिन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत तेज़ गिरावट आई है, महीने भर में 30% से ज़्यादा दाम गिर चुके हैं, और गिरावट बाकी है सर? मृत्युंजय जी, दाम बहुत जल्दी से और बहुत स्पीड से नीचे आए हैं, तो जो चीज़ ऊपर जाने में 4-6 महीने लगे वो 1 महीने में नीचे आ गई है। So, जिस तरह से हमने देखा कि भाई ऊपर में $2100 पाम ऑयल का भाव हुआ था और आज $2100 की जगह पे मार्केट जो है आप समझ के लिए $1250 $1300 पे आ गया। एंड आज स्पेशली 7.5 से 8% की गिरावट रही है, करीबन $90 होता है और करीबन ₹7 किलो का असर होता है उसका, ये पोजिशन है। सो अब तो सवाल ही हो गया है कि अब कंज्यूमर के लिए तो राहत ही राहत है, अब बल्कि मुझे लग रहा है देश का किसान जो है वो कहना शुरू करेगा कि हमारा सोइंग का टाइम है, फिर अक्टूबर में हमारा हार्वेस्ट का टाइम है, हमें लो प्राइसेस से बचाओ। अब ये माहौल पूरा पेंडुलम स्विंग हो गया है। इवन इंडोनेशिया में पेंडुलम स्विंग हो गया है। इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बैन किया था कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए, अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट देख रही है कि पाम प्लांटेशन के किसान जो है वो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हमारे फ्रेश फ्रूट बंचेस का दाम इतना कम हो गया है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट अब किसानों के लिए डेस्परेट हो रही है। तो कहने का मतलब है कमोडिटी मार्केट बड़ी विचित्र धारा में है एंड अब फोकस जो है कंज्यूमर के लिए तो राहत ही है। अगले 3-4 महीना फेस्टिवल के टाइम में बहुत रीजनेबल चाहिए उतना तेल मिलेगा। अच्छा। और गवर्नमेंट के लिए भी इन्फ्लेशन एक वरी बहुत बड़ी है, वो उसमें राहत गवर्नमेंट को डेफिनेटली एडिबल ऑयल देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर, इससे सोयाबीन की खेती पर कोई असर पड़ेगा अभी जो दाम कम हो रहे हैं? यस डेफिनेटली, मतलब जिस तरह से जिस स्पीड से दाम कम हुए हैं इसका रियलाइजेशन अभी शुरू होगा, तो जब फार्मर सोइंग पे अभी जा रहा है तो बिकॉज बारिशें लेट हुई तो सोइंग भी लेट हो रही है, तो वो डेफिनेटली उसमें जितना वो जोश था वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा। और स्पेशली जब किसान जब अपना प्रोड्यूस लेके आएगा अक्टूबर नवंबर में मार्केट में, उस समय फिर दाम जो रहेंगे ये इस तरह के दाम चलते रहे तो उसको देख के उस समय किसानों का एजिटेशन शुरू हो जाएगा कि हमें MSP पे खरीदी करो या हमें उचित दाम दो, ये सब इश्यूज जनरेट हो जाएंगे। अच्छा। तो बड़ा मारा। और मीन टाइम गवर्नमेंट ने अभी वो TRQ टैरिफ रेट कोटा अलॉट किया है, जिसमें सोयाबीन और सनफ्लावर का 31 मार्च 2023 तक का इम्पोर्ट जो है वो 0 duty पे अलाउ किया है। अब वो ऐसे समय वो स्कीम आई है कि जिस समय अभी कंज्यूमर की राहत नहीं किसानों की इशू बनने वाली है, राइट, तो थोड़ा सा टाइमिंग में वो स्कीम आगे पीछे हो गई है, ये दिक्कत अभी होने वाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक छोटा सवाल संदीप जी आपसे और, कि अभी सबसे ज्यादा गिरावट आपको किस तेल की कीमत में दिख रही है? सोया तेल, पाम तेल, सरसों, किस में? देखिए, सरसों तेल का तो अभी अराइवल का सीजन पूरा हो चुका है, अभी सरसों तेल अभी ये पोजीशन हो गई है कि पहले डोमेस्टिक तेल जो है वो इम्पोर्टेड तेल से, जब इंडोनेशिया का बैन चल रहा था तो उस समय डोमेस्टिक तेल इम्पोर्टेड तेल से ₹15 किलो सस्ते बिक रहे थे, और उस समय सरसों तेल का बहुत बिक्री हुई और बहुत खपत हो गई। और लेकिन अब हालत ये हो गई है कि इम्पोर्टेड तेल जो है वो डोमेस्टिक तेल से 15 से 20 रुपए किलो सस्ते हो गए हैं। सो अभी मतलब तो दाम जो बहुत ज्यादा स्पीड से जो गिरे हैं वो पाम में गिरे हैं। अच्छा। मतलब $2100 से हम देख रहे हैं 1250 और करीबन ये दाम जो आए हैं ये पाम में आए हैं। सोयाबीन में $2100 से $1450 आया है, और सनफ्लावर में जो ऊपर 2300 गया था उससे $1750 आया। अच्छा। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि सब में ज्यादा दाम जो घटे हैं वो पाम ऑयल में घटे हैं, बिकॉज पाम में ही जिस तरह से मार्केट इंडोनेशिया बैन के कारण में बढ़ा था वो अभी पूरा रिवर्स आ गया। ओके सर, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका जुड़ने के लिए और पाम तेल की गिरावट पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के MG। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से,
गोल्ड का मार्केट 52,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, क्या अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली देखिए तो शुक्रवार के सेशन में जिस ढंग से इंपोर्ट ड्यूटी का जो रिफ्लेक्शन था वो हमने डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देखा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट अभी भी 1810 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक सेल ऑफ है, क्योंकि आज यूएस मार्केट वैसे भी बंद है और बुधवार को फेड के जो मिनट्स आने हैं उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक है। तो मुझे लगता है 52,200 के करीब आए तो बेच के चलिए, एक छोटा पुल बैक दिखाई दे रहा चार्ट पे, जो 51,800 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे और 1795 तक का लेवल हम इंटरनेशनल देख पाएंगे। तो थोड़ा वीकनेस है जो 51,800 तक का एक टेम्पररी फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में अभी क्या करना है। अच्छा, कच्चा तेल नीचे आया है, आपको लगता है क्रूड में इस भाव पर भी शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा? कुछ और कमजोरी, कुछ और गिरावट आपको दिख रही हो आज के ट्रेड में? बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही अपडेट आई कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो मिडिल ईस्ट जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हायर साइड पे ब्रेंट 112-113 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा कच्चे तेल में, बट थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, बिकॉज रोज नए इवेंट और नई न्यूज आ रही है उसको देखते हुए काम करना चाहिए। तो 8600 का लेवल काफी अच्छा है, या करंट लेवल से भी बेचा जाए तो मुझे लगता है 8350 का एक इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, मेटल में अजय जी, चूंकि मेटल में ओवरऑल कमजोरी ही है, चाइना यूएस की डिमांड की चिंता ने मार्केट को पूरी तरह से दबाव में ला दिया है, लेकिन आज अगर जिंक में ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बोला, जिस ढंग से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने काफी गिरावट देखी, बट कहीं ना कहीं शुक्रवार की शाम पे हमने एक बहुत ही देखा, उसके अंदर सबसे बेस्ट कमोडिटी है जिंक, बिकॉज पिछले हफ्ते में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, तो टेक्निकली एक बाउंस दिखाई दे रहा है। तो जिंक में हमें लगता है 280 पे बाय करके चलिए, 276 का स्टॉप लॉस रखिए, एक रिट्रेसमेंट है 290 तक दिखा सकता है, तो 287 का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एग्री मार्केट में जीरा में आज अच्छी तेजी है, इसके पीछे की वजह बताएं आप कि इतनी तेजी क्यों, आज क्या हो गया और क्या ये तेजी अभी और बढ़ने वाली है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि मिड ऑफ जुलाई से हम देखेंगे धीरे धीरे पूरे स्पाइसेस के अंदर अच्छी डिमांड रहेगी, बट खास करके जीरे की बात करें तो चाइना पे नजर रखना चाहिए। जिस ढंग से चाइना में मई जून मिड से ओपन अप हुआ है तो चाइना से डिमांड रिबाउंड हुई है, साथ में रुपए में जो गिरावट है वो एक्सपोर्ट काफी अट्रैक्टिव बना देता है। मानसून अपने चरम पे अभी धीरे धीरे पहुंचना चालू हो गया, जिसके से अराइवल में ड्रॉप है, तो डोमेस्टिक मार्केट भी धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड भी सुधरती जाएगी। तो काफी बड़ा कंसोलिडेशन मई और जून में हमने देखा था, अब उस कंसोलिडेशन के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है 21,800 पे लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट तो 22,200 का है, बट हो सकता है जुलाई के अंदर हम 22,800 तक के भी लेवल जीरे में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, कॉटन पर आपका व्यू क्या है? कॉटन में गिरावट है, कॉटन इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 100 सेंट के ऊपर जा नहीं पा रहा, थोड़ा प्रेशर है सोइंग को लेकर, मानसून को लेकर, इंटरनेशनल में भी डोमेस्टिक में भी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है या प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, उसी को देखते हुए 41,200 पे बेच के चलिए। डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट 40,750 का है, दायरा 40,000 से 44,000 के बीच में ही रहेगा, तो आज बेच के चलिए। अच्छा, ग्वार पर कोई नया आउटलुक अजय जी आपका, या आपको लगता है कि अभी ये काउंटर दबाव में ही रहने वाला है? देखिए, गवार में हमने देखा यूएस ने ऑलरेडी बोला है कि हम प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, पिछले हफ्ते भी रिक्स में एक की बढ़ोतरी आई है, बट अंटिल 5450 के ऊपर होल्ड नहीं करता है वीकली, थोड़ा वेट कीजिए। पिछले हफ्ते जो रिकवरी वापस लोअर लेवल से 5000 से रिकवर किया है, तो साइन ऑफ रिवर्सल जरूर है, बट काफी अर्ली है। तो 5450 का लेवल गवार सीट में वेट करना चाहिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आई थिंक 5800 के ऊपर भी दिखा देगा, बट तब तक हमें मानसून और स्विंग के भी आंकड़े आ जाएंगे, तो 5450 के लेवल के लिए वेट करना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पर कि ग्वार में अभी आपको करना क्या है। अच्छा, कॉपर में भी कमजोरी है, ठीक ठाक गिरावट आई है कॉपर में, 17-18 महीने की लो पर है एलएमई पर, क्या कोई ट्रेड अभी लिया जाए? देखिए, कॉपर में हमने शुक्रवार को भी देखा 670 के लेवल से मार्केट बार बार में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है पूरे इकोनॉमी में, बट मुझे लगता है पूरे जो मेटल ट्रेडर है वो फेड के जो मिनट्स आने हैं 11:30 बजे बुधवार को, उसका वेट कर रहे हैं। एक बार क्लैरिटी आती है उसके बाद एक बाउंस देख सकते हैं, बट हाँ, टेक्निकली जो हमने 880 से मई मंथ से बड़ा इरोजन देखा है, तो टेक्निकल एक पुल बैक जरूर दिखाता है 700 तक का, बट आई थिंक फेड के मिनट्स के बाद ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है 670 इज गुड टू बाय, बट जब तक 700 के ऊपर होल्ड नहीं करता है मार्केट बाउंस करेगा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है डिमांड कंसर्न्स को देखते हुए। ओके,
तो आपको लगता है कि अभी कमजोरी कॉपर में बनी रहेगी, इस पर आप नजर रखें। इस वक्त करीब करीब 84% की गिरावट कॉपर में दिख रही है, 677 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा।